दोस्तों अर्श चैनल में आप सभी को सैयद फहीम का आदाब। आज की गुफ्तगू उन नौजवान तलबा के लिए है जो 11वीं 12वीं और यूजी में पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, 15 से 20 22 साल की उम्र जो होती है वो इंसान के लिए बहुत अहमियत रखती है। इसी उम्र में सबको अपना कैरियर बनाना पड़ता है। जो बच्चा आगे की जिंदगी को सोचकर इस उम्र में अपना कैरियर बना लेता है तो वो अपना मुस्तकबिल, जैसे 50 या 60 साल इसकी अगर जिंदगी आगे गुजारनी है तो जो है इसमें वो कामयाब हो जाता है। ये उम्र ऐसी है कि जो है इसमें डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे आते हैं। ये इसलिए कि आप जवानी में ख़दम रखते हो और दुनिया की सारी बुराइयां आपको अजीज लगती हैं, भली लगती हैं और वो आपको खुशनुमा बनाकर दुनिया आपको पेश करती है। दोस्तों, यही उम्र होती है आपको फैसला करना होगा कि जो है आप आगे की जिंदगी के लिए क्या चुने। AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के तहत हमने ऐसे बच्चों को कैरियर गाइडेंस के नाम पर प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, जिससे हम स्कूलों को जाते थे और 11वीं और 12वीं बच्चों को ये सिखाया जाता कि जो है आपको अपना कैरियर इसी उम्र से बनाना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, एडवोकेट बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, या आपको पायलट बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ये आप 11th ही में इंतखाब कर लें। इससे आपको ये मदद होगी कि अगर आप 12वीं क्लास पास होकर जाओगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि जो है किस कॉलेज में कौन से कोर्स में आपका दाखिला हो और आगे की तालीम आपको आसानी से करने का मौका मिल जाएगा। अगर ये नहीं कर पाओगे, 11वीं में या 12वीं में आप अभी तक ये फैसला नहीं कर पाओगे, ये फैसला नहीं कर सकते कि जो है आपको बनना क्या है, तो जो है आप जब अगर 12वीं पास भी कर लो तो जो है उस वक्त इतना होता है कि आपके एडमिशन्स, कॉलेज के एडमिशन्स के दौरान आपको सिर्फ चंद दिन मिलते हैं और उसमें आप इतने कंफ्यूज रहते हैं कि जो है आप जो कोर्स जिस कॉलेज में जैसे भी मिल जाए आप करने के लिए तैयार हो जाते हो। ऐसा ना हो और बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहें, इसलिए हमने कैरियर गाइडेंस कोर्स, कैरियर गाइडेंस स्कीम के तहत स्कूलों में जाकर यह बताते हैं कि जो है 11th में आप जो बनना चाहते हैं फैसला कर लें और उसके मुताबिक कोर्स उठाकर पढ़ना शुरू करें। जब आप ऐसा करोगे
तो आपको जो है आपको काफ़ी वक्त मिलेगा, 12th स्टैंडर्ड जब पास कर लोगे तो आपको एक क्लियर विजन होगा कि जो है किस कॉलेज में आपको दाखिला लेना है, किस कोर्स में आपको दाखिला लेना है और उस कोर्स की जो है फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, और जहाँ से हुकूमती और गैर हुकूमती इदारों से आपको स्कॉलरशिप मिलने हैं ये पूरा आपको हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। ये काम माशाल्लाह बखूबी चल रहा है और इस पर हमने ज़्यादा इसलिए कंसंट्रेशन दे रखा है कि जो है हमारे बच्चे खासकर इसमें बहुत पीछे हैं। इन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि जो है अपने कैरियर बनाने के लिए यही वक्त है जो 15 से 20 या 22 साल की उम्र का होता है। हमारी कौम में ये बात अहमियत नहीं रखती कि जो है पहले से ये तय कर लिया जाए कि जो है बच्चे को क्या बनाना है या बच्चा क्या बनना है। इसलिए हमने इस चीज़ को उजागर करने के लिए, इस चीज़ को अपने जहन बच्चों के जहनों में लाने के लिए कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम शुरू किया है जो काफ़ी अच्छा चल रहा है और इसके तहत काफ़ी बच्चे फ़ायदेमंद हो रहे हैं। इसी दौरान हमने देखा कि जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th, 11th और 12th में हैं जो बेफिक्र होकर अपनी तालीम पा रहे हैं। बड़ा ही अफसोस होता है ऐसे बच्चों को देखकर या ऐसी बातें दूसरों से सुनकर कि जो है ये बच्चे नाफरमान होते हैं इस वक्त इस उम्र में, और जो है ये अपने माँ बाप की नहीं सुनते, ना उस्तादों की सुनते हैं, ना बड़ों की सुनते हैं, ना किसी की सुनते हैं, ये सिर्फ अपने मनमानी करते हैं और अपना कैरियर खुद बिगाड़ लेते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमारी ये नसीहत है कि जो है वो आज भी तैयार हो जाएं कि जो है इन सब चीज़ों को भूल जाएं और अपने माँ बाप का दर्द आप अपने दिल में लेकर ये एहसास जगा कर उठें कि जो है इनको आप खुश रखोगे और इनके ख्वाब पूरे होंगे करोगे, क्योंकि आपके ख्वाब ही इनके ख्वाब होंगे, आपकी ख्वाहिशें ही इनकी ख्वाहिशें होंगी और आपके अपने फ़ायदे की चीज़ें ही इनके फ़ायदे की चीज़ें बनेंगी। ये सोचकर आप अपनी तालीम जारी रखें और खूब मेहनत करें, 11वीं और 12वीं में खूब मेहनत करें, उसके बाद आपको सिर्फ 3 साल डिग्री करने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको आसानी हो जाएगी। फिर आप पर ये मौका मिलेगा कि जो है आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करें, रिसर्च करें और जो कुछ भी करें आपको मौके मिलते जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो है जहाँ जहाँ से जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे और कितने आसानी आपको मिलेंगे, ताकि जो है ये सब करने के बाद आप अपना फ्यूचर अपना मुस्तकबिल बिल्कुल सॉलिड कर लें। ये बात अक्सर देखी जाती है कि जो है इस उम्र में बच्चे काफ़ी बेफिक्र होकर घूमते फिरते हैं, रातों में लेट से घर को आना, टीवी वगैरह में अपना वक्त बर्बाद करना और मोबाइल में खासकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर रहना इनका मशगला बन गया है। ऐसे बच्चे बहुत कम तरक्की कर पाते हैं जो इस मशगले में रहते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि जो है हमारे बच्चे इसमें मुलव्वस हैं और हमारा ये काम और हमारा फ़र्ज बनता है कि जो है ऐसे बच्चों को उठाकर जगाएं और उनको ये एहसास दिलाएं कि जो है यही उम्र है आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए। अगर आप अपना फ्यूचर बना लोगे तो जो है आपके माँ बाप खुश होंगे, आपके असातिज़ा खुश होंगे, माहौल खुशगवार बनेगा और एक सोसाइटी में जो है खुशगवारी पैदा होगी। इसलिए हमने ये तय कर रखा है कि जो है जब 11th में बच्चा जाने लगे तो जो है उसको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो है उसका फ्यूचर क्या होगा और वो क्या बनेगा, तो इसमें इसको आसानी हो जाएगी पढ़ने में और आगे का जो है आगे की ज़िंदगी गुजारने में। तो इस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जब भी स्कूलों को जाते हैं तो बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि जो है सिर्फ ये 5-7 साल का वक्फा जो है इस पर खूब मेहनत कर लें। अगर ये 5-7 साल आपने मेहनत कर लिया और आपने इसमें जो है अपना एक
मुकाम बना लिया तो आगे की 50-60 साल की जिंदगी जो भी मिलेगी इंशाअल्लाह वो बिल्कुल सुकून के साथ गुजरेगी। आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि जो है आपकी माँ ने जब जन्म दिया तो उसको कितनी तकलीफ का एहसास हुआ, आपको कभी इसका एहसास नहीं हुआ होगा। जो बच्चे बेफिक्र होकर घूमते रहते हैं उनको मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूँ और वो खुद अपने आप में एहसास देखें, एहसास अपने आप में दिला लें कि जो है एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो एक साथ 200 हड्डियों के टूटने का उसको जो है तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि जो है अगर किसी का एक हाथ टूट जाए या एक पाँव टूट जाए तो जो है उसको डॉक्टर पट्टी वगैरह लगाने के बाद कहता है 15-20 दिन आप ना हलें ना झूलें ना इधर जाएं ना उधर जाएं और आराम करें। आप जरा अंदाजा लगाइए तो जो है एक बच्चे के जन्म देने में माँ 200 हड्डियों के एक साथ टूटने का जो दर्द बर्दाश्त करती है उसका आप क्या बदला दे सकोगे। इसलिए ये तो एक छोटी सी कुर्बानी होगी उस माँ की, ऐसे हजारों कुर्बानियां आपके बड़े होने तक अपने माँ बाप आपको देते रहते हैं इसका आपको एहसास नहीं रहता। थोड़ी सी फिक्र करें और अल्लाह से रुजू करें, तौबा करें कि जो है अब तक जो आपने किया अल्लाह इसको माफ़ फरमाए और आइंदा से आज के बाद से जो भी वक्त आपके पास बचा है एग्जाम्स तक, जो बच्चे 9th 10th में हैं या 11th 12th में हैं, कोशिशों से अपने आप को इस पर ढाल लें कि जो है आइंदा 5-7 सालों में आप खूब मेहनत लगाकर पढ़ोगे और अपना कैरियर बनाकर एक खुशगवार जिंदगी आपके लिए बनाओगे और ये खुशी आपके माँ बाप को आप दे सकोगे इंशाल्लाह। दुआ करता हूँ कि जो है आप इस पर अमल करें और एक खुशगवार सोसाइटी बनाने में मदद करें।